बीते 3 अगस्त को राजभवन में वीर शहीदों की प्रतिमा का शिलान्यास राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। शिलान्यास में कुछ शहीदों का नाम छूट गए थे, जिसे लेकर शहीदों के परिजनों में मायूसी है। वे सरकार से सुधार की मांग कर रहे हैं। राजभवन के मूर्ति गार्डन में झारखंड के कई वीर शहीदों की प्रतिमा का शिलान्यास राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया था। शिलान्यास में जिन महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी, उनमें बाबा तिलका मांझी, नीलांबर, पीताम्बर, तेलंगा, खड़िया, गया, मुंडा, वीर बुधू, भगत, शिधोकानु, टाटा, जतरा भगत, दीवा किशुन, अल्बर्टेका के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में अगर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, अर्जुन सिंह, जग्गू दीवान जैसे अमर स्वतंत्र सेनानियों के नाम नहीं है। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव फाउंडेशन के अध्यक्ष और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के उत्तराधिकारी प्रवीर सहदेव ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि सरकार फिर से विचार करे। पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद के साथ पत्र भी हमने लिखा है। राजभवन के गार्डन में जिन अमर शहीदों के नाम छूट गए हैं, उनका नाम भी उसमें जोड़ा जाए और उनकी प्रतिमा भी राजभवन के गार्डन में लगाई जाए। क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है। इस संबंध में वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से बात करेंगे। कुछ लोगों का हुआ था, कुछ लोगों का नाम तो अब छूट गया है या नहीं लिया गया है, वो तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन झारखंड के लिए जिन लोगों ने खून बहाया और देश की आज़ादी के लिए जो अपना लड़ाई लड़ी, सोशलिज्म राज के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन लोगों का भी स्टैचू लगना चाहिए। और टीवी के चैनल के माध्यम से हम भी अपील करेंगे महामहिम उन तमाम लोगों जिनका नाम छूट गया, जिसका देश के आज़ादी से लेकर निर्माण के लिए जिसने शहीद हुआ है, अपना दिवंगत हो गया, वैसे लोगों का वहाँ पर स्टैचू लगना चाहिए। राजभवन में कुछ शहीदों की प्रतिमाओं का नहीं लगना उनके परिजनों को खटक रहा है। उनका कहना है कि इससे उद्देश्य अधूरा रहेगा, जिस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।